नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अभिलाषा और मेरा आज का वीडियो है श्री क्षेत्र देवगढ़। देवगढ़ औरंगाबाद से लगभग 53 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुणे नगर हाईवे या पुणे औरंगाबाद के रास्ते में लगभग 53 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। जब आप जा रहे होंगे तो आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक गेट है, विशालकाय गेट है, जिसके बाहर में दो हाथी की बड़ी बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। और उस गेट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। काफ़ी बड़ा और काफ़ी ज़्यादा भव्य और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है ये। ये प्रमुखतः श्री दत्त भगवान का मंदिर है। देव स्थान श्री किशनगिरी पंडित श्री किशनगिरी महाराज द्वारा स्थापित है। देवगढ़ क्षेत्र का विकास भास्कर गिरी महाराज ने किया था। पूरे देवगढ़ मंदिर की वास्तुकला बहुत सुंदर है। मुख्य रूप से दत्त मंदिर है ये। संपूर्ण भव्य मंदिर पूरी तरह से राजस्थान से आयात संगमरमर के पत्थरों से निर्मित है। मंदिर के फर्श का काम भी संगमरमर से किया गया है और मंदिर में 4 फीट के ऊंचा सुनहरा शिखर है। यहाँ का मुख्य आकर्षण बेहद खूबसूरत प्रसन्न श्री दत्त भूमि मंदिर है। मंदिर में आपको काफ़ी सारी आपको यहाँ पे भोजन करने के लिए, ठहरने के लिए और कार पार्किंग के लिए, गाड़ी पार्किंग के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा मिलेगी। प्रसाद यहाँ का काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप चाहें तो आके यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं और स्टे करने के लिए भक्त निवास बना हुआ है, जहाँ पे आप बुकिंग करके आप रह सकते हैं। मंदिर का प्रांगण काफ़ी ज़्यादा स्वच्छ है, काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पे आपको प्रसाद भगवान को अर्पण करने के लिए फूल मालाएं सभी कुछ मिलेगी। यहाँ पे एक छोटा सा तालाब है, छोटा सा नदी जैसा है, जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं। और मंदिर का वातावरण जो है वो काफ़ी ज़्यादा पवित्र है। दिन रात यहाँ पे भगवान का भजन, यहाँ पे भगवान की मंत्र उच्चारण होते रहता है, जिसके कारण इस मंदिर का वातावरण काफ़ी ज़्यादा पवित्र है। काफ़ी ज़्यादा फेमस मंदिर है और काफ़ी ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की, दत्त भगवान की। तो जब भी आप औरंगाबाद से पुणे जा रहे हैं या जब भी आप औरंगाबाद से नगर जा रहे हैं, तो इस मंदिर को, दत्त भगवान के मंदिर को ज़रूर दर्शन करें। काफ़ी सुंदर मंदिर है। होप आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, और पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।